तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया ही है कि माइनक्राफ्ट का लॉजिक कितना ज्यादा अखंड है, इतना ज्यादा कि मन करता है पानी में ही डूब जाओ। सो जैसा तुम लोगों को पता है कि क्राफ्टिंग टेबल वुड प्लैंक से ही बनती है, लेकिन वुड की होने के बाद भी अगर हम इसमें आग लगाते हैं तो इस पे फायर का कुछ असर नहीं होता। लगता है क्राफ्टिंग टेबल बनने के बाद वुडन प्लैंक से स्टोन में बदल जाते हैं। नाउ सेकंड लॉजिक, तो हम इतने ज्यादा टेम्परेचर वाले लावा को नॉर्मल आयरन वाली बकेट में भर तो सकते हैं एंड इससे बकेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसी बकेट को लावा में फेंकते हैं तो बकेट की राख बन जाती है। मस्त सीन है। एनीवे, नंबर 3, तो माइनक्राफ्ट के एक ब्लॉक की हाइट एक फेंस की हाइट से ज्यादा ही होती है, बट हमारा माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर वन ब्लॉक से कम हाइट वाली फेंस के जंप नहीं कर पाता एंड एक ब्लॉक जिसकी हाइट फेंस से ज्यादा होती है उस पे वो इजीली जंप कर लेता है। और मेन लॉजिक तो यहाँ आता है, अगर हम इस फेंस के ऊपर कारपेट लगा देते हैं तो इसकी हाइट तो ऑब्वियसली बड़ी ही हो जाती है, लेकिन उस बड़ी हुई हाइट से माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर इजीली जंप कर सकता है ना। अखंड लॉजिक्स, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो।